हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी बिहार समेत ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि 4 साल तक विकास की रट लगाने वाली पार्टियां भी चुनावी साल में जातिगत समीकरणों को साधने में लग जाती है। अखिलेश माया के हाथ मिलाने से यूपी में सियासी और जातीय समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। यही वजह है कि मजबूरी में ही सही बीजेपी को भी उसी राह पर चलना पड़ रहा है। पार्टी आने वाले दिनों में जातीय सम्मेलन कर पिछड़ों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यात्राओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। चुनावी साल में बीजेपी को भी आई जातियों की याद। पार्टी जातीय सम्मेलनों के जरिए साधेगी मिशन 2019। यात्राओं के जरिए होगी पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। मेरठ कार्य समिति की बैठक में दिया जाएगा कार्यक्रम को अंतिम रूप। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी यात्रा और जातीय सम्मेलनों के जरिए देश के सबसे बड़े सूबे में 73 से अधिक सीटें जीतने की योजना बना रही है। इसकी रूपरेखा करीब करीब बन गई है, लेकिन 11 और 12 अगस्त को मेरठ में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य तो जातीय सम्मेलनों के जरिए पिछड़ों को साधेंगे ही, शाह खुद भी दलितों और पिछड़ों की सभी जातियों को साधेंगे। पिछड़ों में अलग अलग जातियों का अलग अलग सम्मेलन होगा। इसके अलावा युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के भी प्रदेश और क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम होंगे। बूथ स्तर पर लाभार्थी संपर्क अभियान और संपर्क योजना भी संचालित होगी। लगातार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उसने अपना मन बना लिया है। मोदी जी के प्रति आत्मविश्वास जनमानस का अभी भी कायम है और लगातार। तो उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी है। अब ये सम्मेलन से, अब इन यात्राओं से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप ये देखिए, गोरखपुर जो 25 साल से माननीय योगी जी वहां से सांसद हुआ करते थे, उसके बाद कैराना, फूलपुर, ये सारे के सारे आप इलेक्शंस देखिए कि किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है। तो जो भी ये प्रयास कर लें, इनके सारे प्रयास जो मैं समझता हूं कि व्यर्थ जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश के 4 क्षेत्रों से परिवर्तन यात्रा निकाली थी और इस यात्रा ने अखिलेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। अब जबकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दोनों जगह डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, तो पार्टी इस बार परिवर्तन को चुनावी मुद्दा बनाने की जगह मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को लेकर यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस बार भी चारों इलाकों से यात्रा निकलनी है। योजना के मुताबिक पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे इसे हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक एक संगठनात्मक विषय है, वहाँ पे सारे विषयों पे चर्चा होगी। लक्ष्य निर्धारित करके हम विजय श्री प्राप्त करके करेंगे, विपक्ष कहीं कुछ कर नहीं पाएगा, विजय पताका भारतीय जनता पार्टी की लहराएगी। दरअसल विपक्षी महागठबंधन को देखते हुए पार्टी मिशन 2019 के अपने चुनावी मुहिम में कोई कोताही नहीं करना चाहती। यही वजह है कि उसने देश के सबसे बड़े राज्य में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी भी कई बार राज्य का दौरा कर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। उधर अमित शाह भी काशी और ब्रज क्षेत्र में प्रदेश भर के रणनीतिकारों के साथ की गई बैठक में अपना एजेंडा साफ कर चुके हैं कि हर बूथ पर 55% वोट के साथ ही 73 से अधिक लोकसभा सीटें जीतनी है। बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने राज्य में 73 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। लक्ष्य बड़ा है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने सभी 6 क्षेत्रों में बूथ और जातीय सम्मेलनों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को विपक्ष का चक्रव्यूह तोड़ने का मंत्र दिया था। इस बार एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन ने पार्टी को चौकन्ना कर दिया है। यही वजह है कि बूथ स्तर पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अब देखना है कि इन कवायदों से बीजेपी को अपना मिशन पूरा करने में कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।